अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, इसमें एक्सपेरिमेंट में फाइंड द टेंशन, टेंशन फाइंड करेंगे इन द स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग्स होंगी, बाय बैलेंसिंग अ मीटर रूल ऑन द स्टैंड्स। जी आप देखिए ज़रा, दो स्टैंड हैं, उसके ऊपर मीटर रूल जो है ना बैलेंस किया हुआ है। एक ये वाला स्टैंड है, स्प्रिंग बैलेंस है, स्टैंड के अंदर ना स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, और नीचे उसके क्या डाला हुआ हमने, मीटर रूल। एक स्ट्रिंग है इधर, अगर आप स्ट्रिंग देखें ना, धागा आपको ये वाइट कलर में नज़र आ रहा है, यस, यहाँ से ये वाइट धागा, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। इसके अंदर हमने टेंशन फाइंड करनी है, और दूसरी स्ट्रिंग ये है धागा, इसके अंदर भी हमने टेंशन फाइंड करनी है। तो आपको नज़र आ रहा है कि हमने दो स्प्रिंग बैलेंस स्टैंड में लगाए हुए हैं, उसके नीचे क्या हमने थ्रेड बांधा हुआ है, तो थ्रेड के अंदर मीटर रूल हमने बैलेंस किया है। ये है मेथड, इस मेथड से आपने इन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन फाइंड करनी है। तो अब मैं उसका प्रोसीजर डिटेल में बताता हूँ आपको। जी इसमें सबसे पहले आपने एक मीटर रूल देखिए, आप किस तरह से वेज के ऊपर बैलेंस किया है, ये जस्ट थोड़ी देर के लिए बैलेंस होता है, बाद में फिर नीचे गिर जाता है। जी स्टूडेंट्स आप ये नोट करें, ये किस जगह पर बैलेंस हुआ है, ये वो आपने रीडिंग नोट करनी है। मुझे लग रहा है ये 49 से एक स्टेप पीछे है, यानी 48.9 सेंटीमीटर। जी तो आप देखिए, लिखा है पोजीशन ओ ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हमने फाइंड किया उसकी पोजीशन मीटर रूल पे आई है 48.9 सेंटीमीटर, ये नोट कर ली। जी स्टूडेंट्स देखें, हमने इसको इस तरह लूप के अंदर डाल दिया है मीटर रूल को, ये ऊपर हमारा जो लगा हुआ है ना 250 ग्राम वाला जो है ना, ये है स्प्रिंग बैलेंस। जी इस साइड से भी प्लीज़ इसको लूप में डालिए मीटर रूल को। जी जी प्लीज़, ये देखिए किस तरह से इसको लूप के अंदर ऐसे डाल रहे हैं, यस ये डल गया, छोड़ दें अब इसको। जी ये देखिए थ्रेड जो हमें नज़र आ रहा है ना, ये टेढ़ा है, ये देखिए इधर को तिरछा है, तो इसके लिए स्टैंड को थोड़ा पीछे, प्लीज़ स्टैंड पीछे करना ताकि थ्रेड सीधा हो जाए। थ्रेड को वर्टिकल और प्लीज़ मूव कीजिए, और कर दीजिए, और कीजिए, यस प्लीज़, यहाँ यहाँ देखिए थ्रेड जो है ना वर्टिकल पोजीशन में आ गया। अब दूसरा करते हैं। जी ये थ्रेड हमें पहले ही नज़र आ रहा है वर्टिकल पोजीशन में है, अगर ये वर्टिकल पोजीशन में ना हो यानी टेढ़ा हो, एक साइड को हो, तो आप स्टैंड को आगे पीछे करके इसको सीधा कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स अब आपने ना इस मीटर रूल को लेवल करना है, यानी हॉरिजॉन्टल करना है। उसका मेथड में हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि इधर से भी उतना ही ऊंचा हो टेबल से, इधर से भी टेबल से उसकी हाइट एक जितनी हो, तो ये हाइट देखना मैंने कैसे इक्वल करनी है। उसके लिए देखें मैंने एक स्केल रखा है, अब स्केल से मैं हाइट चेक करूँगा कि मीटर रूल कितनी हाइट पर है स्केल के साथ, तो ये आपको नज़र आ रहा है 7 सेंटीमीटर है, तो दूसरी तरफ से भी हमने 7 सेंटीमीटर ही इसको करना है। यानी इसको ऊपर नीचे अगर करना पड़े ना हमें, तो किस तरह से करेंगे, ये जो इधर लगा हुआ ना क्लैंप, ये यहाँ से हम इसको नीचे या ऊपर कर सकते हैं। जी ये दूसरी तरफ हमने स्केल देखा है, तो इधर भी उसकी हाइट 7 सेंटीमीटर ही कर ली है। इस तरह ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये जो हमने स्केल, ये मीटर रूल है ना, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया है। जी स्टूडेंट्स देखिए, अब हमारा ये जो स्केल है ये फुल हॉरिजॉन्टल पोजिशन में है। अब हम स्प्रिंग बैलेंस से रीडिंग्स नोट करेंगे। जी ये जो लेफ्ट साइड पे है ना स्प्रिंग बैलेंस, इसका नाम हम S1 लिखेंगे, और इसकी रीडिंग आप प्लीज़ इधर से नोट करिए कितनी है। जी ये मैंने जूम इन किया है, आप रीडिंग नोट कीजिए, 75 के बाद 76, फिर 77 है, तो ये रीडिंग आ गई 77 ग्राम्स। जी और ये दूसरी तरफ मैं आया हूँ, आप दूसरे स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग नोट कीजिए, ये पूरी 75 ग्राम्स आ रही है। जी ये टेबल में आपने पोजीशन से नोट कर ली, ए जो है ना लेफ्ट साइड वाला था, उसकी पोजीशन उसकी रीडिंग थी 77, सॉरी ये 77 आगे लिखना था इधर में, सॉरी बच्चों ये गलती से हो गया, ये पोजीशन नहीं थी, ये तो वेट था, ये असल में इफ्तिकार जो है ना मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार ये स्टैंड्स मांग रहा है ये वाले के, एक्सपेरिमेंट करना है इसने, इस वजह से मिस्टेक हुई है। तो ये था वेट दोनों का, तो वेट को मैंने इधर ऐड किया है 77 प्लस 75 तो आया 152 ग्राम, तो इसको न्यूटन में करेंगे तो 1.52 न्यूटन बनेगा। तो ये एक्चुअली हमने इधर नोट करना था वेट ऑफ द मीटर रूल,
1.52 न्यूटन। हमने मीटर रूल का अभी तक वेट फाइंड किया है सिर्फ जी। अब हम मीटर रूल की पोजीशन चेक करेंगे कि वो जो स्ट्रिंग है वो किस पोजीशन पे है। उसकी पोजीशन मुझे जो नज़र आ रही है ये है 3.5 लिख देता हूँ मैं, 3.4 लिख लें या 3.5, ये आप अपनी आँख आगे पीछे करेंगे तो रीडिंग ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल इसको फ्रंट से रीड करना है तो मैं 3.5 नोट कर देता हूँ। और ये राइट साइड पे जो है इसकी पोजीशन 93.7 है, ये मैंने नोट कर ली जी। ये पोजीशंस नोट कर ली, जो ए था उसकी पोजीशन थी यानी जो लेफ्ट साइड पे था 3.5 सेंटीमीटर थी, और बी जो था राइट साइड वाला उसकी 93.7 थी। हाँ जी, अब ज़रा देखिए हमने थोड़े से इनके नाम रख दिए। ये जो लेफ्ट साइड पे उसका नाम स्प्रिंग वन है यानी S1 है स्प्रिंग बैलेंस, ये राइट साइड वाले का नाम है S2। ये देखिए अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे, यानी ये जो बी है बी से लेके ए तक का डिस्टेंस। बी की पोजीशन थी 93.7, ए की पोजीशन थी 3.5, इन दोनों को इसमें से ये माइनस किया तो आपके पास आंसर आएगा 90.2। तो वो आपने देखें डिस्टेंस ऑफ S1 फ्रॉम बी, बी से S1 का डिस्टेंस 90.2 नोट कर दिया जी। अब हमने ना ये W जो इसका वेट था, जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी था मीटर रूल का, उसकी पोजीशन थी 48.9, और अब हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है यानी ये बी से ये कितनी दूर है। तो बी की पोजीशन हमें पता है 93.7 थी, उसमें से ये आपने 48.9 माइनस किया तो आ गया 44.8। यानी यहाँ से हमें पता चला कि ये जो बी है ना इसको हमने पिवट पॉइंट लिया है, सारे डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर रहे हैं। तो बी से इसका डिस्टेंस है 44.8, इसका नाम हमने बी लिख लिया छोटा स्मॉल बी। और ये बी से जो इसका S1 का डिस्टेंस था वो आया 90.2, तो हमने ये दोनों नोट कर लिए जी। अब हमने वो कैलकुलेट टेंशन करनी जो हमारा प्रैक्टिकल है। तो टेंशन T1 जो S1 जो है ना, जो स्प्रिंग 1 था उसके थ्रेड में जो टेंशन है उसका नाम है T1, उसका फार्मूला है W(B/A), और इसी तरह ये T2 का भी फार्मूला है W(A-B) नीचे A लिखना है जी। ये उसी T1 वाले फार्मूला लिखा, उसमें W वेट लिखा जो मीटर रूल का 1.52 था, बी और ए की वैल्यू पुट की तो इसका आंसर आ गया 0.75 न्यूटन। और इसी तरह T2 फाइंड करना था, ये भी W लिखा, ऊपर A-B था नीचे इसके A लिखा तो इसका भी हमने आंसर निकाला 0.76 न्यूटन आ गया जी। ये दोनों हमने टेबल के अंदर नोट कर दी। उसके बाद है S1 और S2, ये कौन सी रीडिंग है, ये रीडिंग्स ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस की आपको याद होगा एक रीडिंग हमारी आई थी 75 जी, ये इधर लिखी हुई है 75, और दूसरी 77 थी। इन दोनों से हमने वेट फाइंड किया था क्योंकि जब उसने ना ग्राम्स में बताया था, लेकिन जब हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे ना तो 100 पे डिवाइड करना होता है। तो इस तरह न्यूटन में ये उनकी रीडिंग्स थी, ये मीटर रूल का पूरा वेट था। तो अब ये हमने S1 में रीडिंग लिखनी है, ऊपर वाली S2 में लिखनी है जी। ये रीडिंग्स ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस जो है ना 0.75 S1 की थी, S2 की 0.77। ये क्योंकि इधर न्यूटन लिखा है इसलिए मैंने इसको 100 पे डिवाइड करके न्यूटन में कन्वर्ट किया है। अब आपने डिफरेंस देखना है कि आपके इस टेंशन में और जो स्प्रिंग बैलेंस ने रीडिंग दी इनमें कितना डिफरेंस है। ये देखिए ये T1 और S1 में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम वैल्यूज है इसलिए इधर आप जीरो नोट कर लीजिए। और इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, ये -0.1 का आ रहा है, वो भी आप इधर नोट कर लीजिए। तो ये दोनों डिफरेंस बहुत कम है, ये तो डिफरेंस है ही नहीं, ये बहुत थोड़ा डिफरेंस है। इट मीन कि हमने जो प्रैक्टिकल किया है ये बिल्कुल एक्यूरेट, बहुत ठीक वैल्यूज इसने दिए हैं। जो टेंशन हमने फाइंड करनी थी ना, एक ये टेंशन T1 थी और एक ये T2, दोनों थ्रेड्स के अंदर टेंशन फाइंड हो चुकी हैं जी। आप अपना प्रैक्टिकल का नाम देखिए, अब लिखा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। तो हमने स्ट्रिंग्स में टेंशन फाइंड कर ली, एक 0.75 न्यूटन, एक 0.76 न्यूटन। तो कैसे की, लिखा है बाय बैलेंसिंग अ मीटर रूल, हमने मीटर रूल को बैलेंस किया था ऑन द स्टैंड्स, दो स्टैंड्स पे हमने स्प्रिंग बैलेंस लगा के बैलेंस किया था।